गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज है 14 दिसंबर और आपको जैसा पता है कि हम देवघर में पहुंच चुके हैं, तो अभी कुछ टाइम में चलेंगे बाबा जी का दर्शन करने, कोशिश करेंगे आपको भी कराएंगे। तो नहावा के सब रेडी हो गए हैं, तो फिर अब निकलते हैं, तो आपको भी दर्शन कराते हैं बाबा जी का। चल रहे हैं बाबा जी का दर्शन करने और यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी थी, तो अभी सामान अब रूम में है, तो चलते हैं दर्शन करके आते हैं और अपने साथी को भी लेकर चलते हैं दर्शन करके आते हैं, उसके बाद फिर तब यहाँ से सामान पैक करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो चलिए मंदिर के पास। ये बाबा जी का मेन गेट है प्रांगण, तो अपना साथी बाहर खड़ा है, अभी वहाँ पे टीका चंदन वंदन सब लगाएंगे। तो बस मंदिर के अंदर चलते हैं। आज हमारे यहाँ बारह दो तीन दिन दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन उनको आने दीजिए ना भाग। मंत्र बोलिए, ओम अब पवित्र पवित्र हुआ सर्वावसान तथो पीवा यश मरे कुंडली काक्षर की ओम कुंडली श्री हरि माता पर सिद्धि करो, माँ गंगा पर हाथ करो। नैने मंत्र बोलिए, ओ श्री विष्णु हरि हरि। जम्मू जी के भारत खंडे बाबा बैजनाथ क्षेत्र मासा नाम मासे उत्तम है मासे पौखे मासे सत्यम्याम सुवा पुण्य किछो अपना नाम बोल बाबा पार्वती कर ले क्या हमारा भाई का स्वागत क्या यहाँ कर। बाबा जी का बहुत अद्भुत दर्शन हुआ, इसके लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाबा जी का मंदिर है और यहाँ पे पार्वती माँ का मंदिर है और इस यहाँ पे बाबा जी के प्रांगण में हम हैं और दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। अब आपसे बाहर मिलते हैं, अपने साथी को टीका ऊपर लगवाएंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। शिव 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 शिव
बाबा जी के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं और बाबा जी का प्रसाद यहाँ पे लगा दिए हैं साइकिल पे, अपने साथी को भी माला पहना दिए हैं और यहाँ से चलते हैं होटल पे। होटल पे चलने के बाद सामान लोड करते हैं, लोड करने के बाद सीधा यहाँ से निकल जाते हैं। तो चलिए होटल पे जाते हैं। अभी होटल पे है, अपना पूरा सामान लोड हो चुका है और भैया से आपको मिलवाए थे, भैया ने ही यहाँ पे होस्ट किया था, गौरव भैया। तो गौरव भैया बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारा। तो सुबह सुबह भैया अब हम जा रहे हैं उड़ीसा की तरफ। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगलमय हो, बाबा से हम कामना करते हैं। जी जी जी, आपका यात्रा एकदम सफल रहे। जी, अब सामान पूरा लोड हो चुका है, अब सीधा निकलते हैं रोड पे। चलिए रोड पे मिलते हैं। देवघर सिटी से बाहर आ गए हैं बाबा जी का दर्शन करके। आप लोग को भी बाहर से दर्शन कराएं, अंदर से शिवलिंग का वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो यहाँ से हम जामताड़ा हो, हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे सारठ जगह है, सारठ जा रहे हैं। सारठ के आसपास कहीं स्टे लेंगे क्योंकि आज ज़्यादा चलेंगे नहीं, और कल जामताड़ा होके आसनसोल हाईवे पकड़ेंगे। तो फिर देखते हैं आसनसोल कब पहुँचते हैं, दो दिन शायद लग जाएगा, दो तीन दिन। फिर अब निकल चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। तो यहाँ से अब सारठ 25-30 किलोमीटर है। तो अभी हो रहा है टाइम 12 बज रहा है, 12-12.30 बजे के आसपास हो रहा है अभी टाइम। अभी बज रहा है 12:30, तो आज सारठ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आज सारठ स्टे लेंगे, देखते हैं कब तक सारठ पहुँचता है। अभी सारठ से लगभग 9 किलोमीटर पहले हो, और आज सारठ में ही रुकेंगे, वहाँ पेट्रोल पम्प है एक, तो आज वहीं पर स्टे लेंगे। अभी यहाँ कुछ रुके आराम करने के लिए, कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ पे। आज पैर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए आज स्टे लेंगे। फिर कल निकलेंगे आसनसोल की तरफ, फिर देखते हैं कब तक आसनसोल पहुंचते हैं। कल कोशिश करेंगे आसनसोल पहुंचने की, अगर पैर का दर्द कम हुआ तो आसनसोल पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर बीच में ही कहीं स्टे लेंगे। फिर चलिए सोरठ तक चलिए, तब आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ स्टे मिलता है आज। हाईली हम सोरठ पहुँच चुके हैं और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और आज अभी 4 बजा नहीं है, सबसे पहले स्टे ले लिए। तो आज पता ही आपको कितना थके हम आराम करेंगे। और ये भैया हमारे साथ 2 किलोमीटर से मेरे साथ ही आ रहे हैं, तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे माता जी खड़ी हैं, अभी आपको माता जी से मिलाते हैं। तो फिर आज हमको यहीं पर रात में रुकना है, यहीं पर सोना है। तो अभी आपसे कुछ टाइम बाद मिलते हैं। 2000 years later. गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज है 15 दिसंबर और हम हैं सारठ में। तो पेट्रोल पंप में रात में नहीं रुके थे और वीडियो का एंड भी करना भूल गए थे, रात में सो गए जल्दी, तो हम पेट्रोल पंप पे रात में नहीं रुक पाए। और यह चंदन भाई का यहाँ पे ननिहाल है, इन्हीं के यहाँ पे रुके थे। तो फिर अभी जब अगले ब्लॉग आएगा तो वहाँ पे सबके बारे में हम आपको परिचय कराएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाय बाय।